Okay, so hello aviation lovers, guys. Very good evening to all. Today we have a special guest Ria, and guys, Ria cracked the interview of Air India Transport Service Limited, Kolkata base. There was earlier one more student, Rashmi, who cracked it for Mumbai base. Again, now there is again one more student, Ria, who cracked it for Air India Transport Service Limited, Kolkata base. ये हायरिंग जो है कुछ दिनों पहले आई हुई थी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, और कोलकाता रीजन में एक हायरिंग हुई थी AIATSL, एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, तो देयर शी गॉट सेलेक्टेड. तो रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन दे फॉरगॉट अस, राइट? सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू थैंक यू सर थैंक यू दैट यू शेयर्ड योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट, टोटल वी हैव 217 सिलेक्शंस आ देयर, राइट? तो ये चीजें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा दैट यू शेयर योर एंट्री एक्सपीरियंस. सो रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन, और मुझे बड़ी खुशी हुई दैट यू गॉट सेलेक्टेड. हालांकि मुझे पता चल चुका था पहले दिन ही, व्हेन आई चेक योर सीवी ना, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि व्हाई यू आर फीलिंग अगेन एंड अगेन. तो सिंपल सी बात है, मुझे उसी समय समझ में आ गया था कि हाँ, थोड़ा सा अगर ये चेंजेस करेंगे तो आराम से सिलेक्शन हुआ जा सकता है. कहीं ना ओके, द रीजन फॉर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड इन अर्लियर अटेम्प्ट्स, आई गेस आर यू ट्राइंग फ्रॉम 2016-17. The reason is that you are doing the same mistake again and again. वो mistake जब तक rectify नहीं होती, तब तक वो कहीं ना कहीं नहीं होता यार, right? तो कैसे भले लग जाता है वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो mistake actually में होता क्या था, every time when you went for the interview ना, तुमने सारी चीजें करी, तुमने communication skill improve किया, और भी कुछ कुछ improve किया, लेकिन जो वो चीजें थी ना, जो parameter था, वो कहीं ना कहीं fit नहीं बैठाया. इसलिए HR को तुम अच्छी लगती थी, तुम eligible candidate लगती थी, कहीं ना कहीं एचआर बोलता था एट द एंड, ये तो कहीं ना कहीं हमारे पैरामीटर में फिट नहीं बैठा, तो हम क्यों लें. दिस वाज द सिलेक्शन ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि रिजेक्शन फेस, तो दैट्स द रीजन मुझे समझ में आ गया था, सीवी देखते ही समझ में आ गया था ये सारी की सारी चीजें हैं. मैं सोचा कि आज बताता हूँ करके ये चीजें दिया है ना, तो वो है. और मुझे बड़ा अच्छा लगा यू गॉट सेलेक्टेड यार, और कहीं ना कहीं मैं तो चाहता हूँ सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट अगर इतने सालों से ट्राई कर रहा है, उसका तो होना ही चाहिए कम से कम यार, राइट? एटलीस्ट कहीं ना कहीं अगर कोई 4 साल से ट्राई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शी और ही इज इनफ पैशनेट, ये चीज है. तो रिया, वेरी मच कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सिलेक्शंस. थैंक यू सर थैंक यू, आपके लिए हुआ है, बस ये तो मैं थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि आपके बिना नहीं होता, क्योंकि मेरे जो सीवी में दिक्कत थी तो वो एक्चुअल नहीं हो सकता था. आप अगर नहीं बोलते कि सीवी में दिक्कत क्या है ना है, ये आपके वजह से हुआ. अगर हम आपके साथ बात नहीं करते तो शायद मुझे नहीं पता चलता कि सीवी में एक्चुअल दिक्कत क्या है, क्या ना है. एंड आंसर ऑल्सो सर, जो परफेक्ट आंसर है ना, वो हम लोग नहीं देते, हम लोग कुछ मतलब गूगल से लेके वो आंसर देते हैं, गूगल से पढ़ लेते हैं, फिर आंसर वहां पे जाके देते, तो वो तो एचआर को ऑलरेडी पता ही होता है ना, आंसर ऐसे ही देगा. आपका जो आंसर है वो तो थोड़ा घुमा फिरा का आंसर, वो मतलब कोई भी जाके अगर ये आंसर दे दिया तो सिलेक्ट होना ही होना है, और मुझे ऐसे ही आंसर पूछा गया था सर. If you have might joined not the courses, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गलती तुम फिर दोहराती. AIATSL. हाँ हाँ, वो sure, मैं वो करती, पक्का करती. इस बार मैं selection नहीं होती मेरी, पक्का नहीं होती. वो गलती तुम फिर दोहराती और घर में आके तुम्हें लगता कि यार मैं क्यों reject हूँ. तो ये चीजें हैं. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार ऐसा नहीं, communication skill तुम्हारी शुरुआत से अच्छी थी. The reason was that something else, और वो कहीं ना कहीं rectify होने जरूरी थी, तभी जो है selection हो पाता है. ओके रिया, तो मैं बता रहा हूँ, मैं ये कुछ कुछ चीजें पूछना था, तो मुझे आप बताओ कि यार Why you joined our courses? I mean, ऐसा क्या लगा कि आपने हमारा course join कर लिया before getting selection? आपने ऐसा क्या देख लिया? Sir, और हम आपको कैसे मिल गए? ये बताइए आप. सर, मैं आपको YouTube में बहुत ज्यादा फॉलो करती थी 1-1.5 साल से, बट आई थिंक मुझे नहीं लगा था कि हाँ चलो पहले पहले क्या ज्वाइन करूँ और ना करूँ, बट मैंने जैसे ही देखा ना कि हाँ हो गया है, ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, तो बस ज्वाइनिंग में कर लिया. 3,000 तो आपने बोला था, 3,000 तो सबके पास ही ऑलरेडी होता ही है, हम लोग ऐसे खर्चा करते हैं. 3,000 रुपए जैसे मैंने ज्वाइन किया वहां से, तो मुझे जो मैं इतने साल में जो कर रही थी, जो मेरी गलती थी, जो वो था ना, आपका आंसर ना यूट्यूब में कुछ तो आता ही था, आप तो बोलते थे आंसर, बट हाँ पूरा आंसर तो आपके पास काम करने के बाद ही मिलेगा ना. आपके पास मैं पढ़ती थी, वो जो पढ़ाई का जो रूल है वो तो थोड़ा अलग ही है. आप 10-12 दिन में 15 दिन में जो सिखाते हो एकदम परफेक्ट, बहुत ही ज्यादा, एक दिन में ही वो सीख सकते हैं लोग, एक दिन के अंदर ही सीख सकते हैं थोड़ा, अगर वो चाहे तो. मैं बोलूंगी मैं 10 घंटे में सिखा दूं. रीजन है कि ग्रेस्प नहीं कर पाएगा ना स्टूडेंट, हमें क्या बताया कौन ग्रेस्प नहीं कर पाएगा. अब यार 15 दिन के खाने को 15 दिन की तरह खाओगे तो ज्यादा अच्छे से वो डाइजेस्ट होगा,
तो इसलिए हमने एक 15 दिन का कोर्स डिजाइन किया जिसमें मुझे पता था कि स्टूडेंट्स को ये रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो आराम से इंटरव्यू निकाल लेंगे। तो ये हाँ चीज़ें सर चीज़ें हैं, एकदम। है ना। ओके, ये बताइए कि आपने कोर्सेज से क्या क्या सीखा, आई मीन वो कोर्सेज से क्या सीखा और आपने उसे अपने इंटरव्यू में कैसे इम्प्लीमेंट किया। एक्सेप्ट कुछ ऐसे सर जज्बा बता देना आप, जो जिससे कोर्स हैम्पर हो। या हाँ तो सर आप पहले, एक तो है कि कैसे वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, पहली बात तो ये है। कैसे वहाँ पे बैठना है, कैसे इंटरव्यू से बात करना है, कैसे आंखें आंखें डाल के ही बात करना है, ये सब हम लोग नहीं करते थे। पहले बात तो ये है। दूसरी बात है, जो आंसर है वो आंसर थोड़ा घुमा के देना पड़ता है। वो आंसर आपके पास ही कोर्स से ही मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगा। वो कोर्स करेगा जो, उसको ही मतलब पता चलेगा कि आंसर का आंसर कहाँ से कैसे देना पड़ेगा। ये तो मुझे लगता है। और मैं आपके YouTube में दो बहुत सारे वीडियोस है, उसमें ही पता चल जाता है। अगर आपके पास पे जाओ तो पक्का सिलेक्ट होना ही है, इतना मुझे पता है। इतना तो जो, हमने देखा कि स्टूडेंट सेलेक्ट हो जा रहे हैं, हमने वीडियो हटा दिया वहां से, है हाँ ना। वो क्या, जब नया नया चैनल हुआ था ना भैया, तो हम लोग स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाते थे यार। हमने कई दिन तक फ्री में हाँ पढ़ाया। अब जब फ्री में पढ़ाया तो हमने कई स्टूडेंट सेलेक्ट कराए। अब हमने स्टूडेंट को बोला यार वीडियो बना देना सर, इंटरव्यू एक्सपीरियंस यार। तो वहां पे स्टूडेंट सेल्फिश होने लग गए। मतलब यार हमारे जो अर्निंग होती थी वो यूज व्यूज पे अर्निंग होती थी पहले। तो हमने उनको बोला कि यार एटलीस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर देना करके, तो स्टूडेंट उसमें सेल्फिश होने लग गए। फिर हमने बोला कि यार नहीं तो चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निक वगैरह चेंज करनी पड़ेगी। सारी वीडियोस हमने यूट्यूब से रिमूव कर दी विद इन 1 2 3 डेज और सारी चीजें हमने कोर्सेज में ला दी यार। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूट्यूब में आधा ज्ञान है एंड आधा ज्ञान से वो कुछ नहीं होगा, वही गलती फिर से रिपीट कर गया होगा, सोचो कि कम्युनिकेशन स्किल कमजोर थी करके। ये चीजें हैं। ओके भैया, एकदम एकदम सर सही है। और बताइए कि आपने और क्या क्या सीखा, और क्या क्या सीखा आपने। सर मैं एक चीज और सीखा कि वहां पे जो आप जो पढ़ाते थे ना, उस पढ़ाने के टाइम पे हम लोगों का आंसर तो है ही, एक है। दूसरा है कि हम वहां पे जाके कैसे काम करें, कैसे ना कर, के भी नॉलेज आप पूरा दे देते दे थे। और उसके बाद अगर आप इस कंपनी से दूसरे कंपनी स्विच भी करना चाहे तो तब के मतलब पूरा 1 साल का नॉलेज आप आराम से देते थे हम लोगों को। कि हाँ कि 15 दिन का कोर्स है, शायद 15 दिन के कोर्स में हम लोग क्या करते, बस पढ़ाई कर लेते ठीक है, और कुछ नहीं सीखते। बेसिक हम लोगों को सीखना नहीं आता है, वो बेसिक के ऊपर आपको सिखाया। जैसे कि अगर आपको कंपनी चेंज भी करना है तब क्या करना है, अगर आपको ड्यूटी मैनेजर से बात भी करना है तो कैसे काम बात करना है, अगर आपको चाहे तो और कुछ सीखना भी है काम के बारे में तो आप पूरा सिखा देते। काम का जो नॉलेज है ना, हम लोगों को पहले से पता चल जाता कि ये काम है, ये जाके करना होगा हमारे शेड्यूल के टाइम से, ये फ्रैंकलिन वाले पे नहीं करते हैं। अच्छा देखो वो काट देंगे हम लोग। अच्छा ये बताओ कि मतलब कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, फिर आपने कैसे गए वहाँ पे और क्या क्या प्रोसीजर हुआ, क्योंकि एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड का वीडियोस बहुत कम है, सिर्फ एक ही था। नहीं नहीं सर आपने दिया था हाँ ऑलरेडी, यूट्यूब में आप डालते हैं, हम देखा है। फिर मैं और चाहता हूँ कि आप बताओ कि कैसे कैसे जो है प्रोसीजर हुए वहाँ पे, डे वन में क्या हुआ, फिर डे टू में, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, ए आई टी एस एल का थोड़ा सा अलग है, बाकी सबके इंडिगो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इंडियन ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो है मिलता नहीं है लोगों को, वो एक ही है सिर्फ। तो यार ये बताइए कि कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला कि वीडियो तो उसी आई सर टी है। उसका आपने वीडियो डाला था, मैंने देखा था। तो एक एक मतलब स्टेट में एक एक बार होता हो रहा था, तो आपने वीडियो डाल दिया था। हमने वहां पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के टाइम पे वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स मांगा था, सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ 500 रुपीज का वो चेक के लिए बोला था। तो चेक इश्यू करने के लिए वो, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब लेगा वो चेक के, चेक का जो स्लिप है तो तब लेगा, ये है। और उस टाइम पे हमने अप्लाई किया, उस टाइम पे हमने पूरा डॉक्यूमेंट्स भेजा, जो जो डॉक्यूमेंट्स है, एंड फॉर्म भी फिलअप करके भेजना पड़ेगा। एंड उसके बाद 1 महीने बाद हम लोगों को कॉल आया कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है पूरा सिलेक्शन हुआ है, डॉक्यूमेंट सही है। और वहां पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा था, बट मेरे पास 1 साल का मैंने नहीं दिखाया, मैं बस 3 महीने का एक्सपीरियंस दिखा के वहां पे सिलेक्शन करवा लिया। तो उसके बाद हमने वहां पे गई एक इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के बाद वहां पे सिलेक्शन हुआ सर। सिलेक्शन मतलब 1 महीने बाद हम लोगों को बोला गया कि सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद फिर से डॉक्यूमेंटेशन हुआ, फिर से डॉक्यूमेंटेशन के लिए गए। उसके बाद ऑफर लेटर देने दिया हम लोगों को। ऑफर लेटर के बाद हम लोगों का ज्वाइनिंग 1 मंथ बाद हुआ, मतलब 17 तारीख को, मेरे ये 17 तारीख को अगस्त के ज्वाइनिंग हुआ है।
उस टाइम पे फिर से हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन चेक हुआ, फिर से हम लोगों का टर्मिनल मैनेजर, हम लोगों का जो ड्यूटी ऑफिसर है, सुपरवाइजर है, सब ने हम लोगों का इंटरव्यू लिया। एंड मैं सिंगापुर पूल के लिए बेस के लिए एक्चुअल सिलेक्शन हुआ है मेरी, तो मेरा फिर से इंटरव्यू हुआ है, क्योंकि अगर आपका अच्छा इंग्लिश कन्वर्सेशन नहीं रहेगा तो नहीं सिलेक्ट करेगा एस क्यू के लिए। तो मेरा इतना सारा इंटरव्यू हो चुका है ऑलरेडी, बस ज्वाइनिंग होने के बाद ही। बट मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस में गई थी सिंगापुर बेस के लिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों को, बस आराम से मैं गई कि सिंगापुर पूल के लिए जा रही हूँ, कोई दिक्कत। मुझे बोल रहा था कतार के लिए, और कतार में ना सर इंटरव्यू ज्यादा नहीं ले रहा है, तो मैंने सर को बोला नहीं मुझे एस क्यू के लिए ही भेजिए, क्योंकि वहां पे मुझे पता है। तो किसी ने पास से बोल रहा कि नहीं नहीं इसको कतार में भेजिए, मैंने बोला इतना तो गारंटी मैं दे सकती हूँ कि मैं सिलेक्ट होके आऊंगी, क्योंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस आपके वहां से मिला है, इतना मैं बोल सकती हूँ। एक्चुअली मैं कह रहा जो फ्रेशर होते हैं वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, वो डरते हैं थोड़ा सा कि ये होगा तो क्या पूछ लेंगे, ये होगा तो क्या। वंस यू हैव ईच एंड एवरी सॉल्यूशन ना, देन इटसेल्फ कहीं ना कहीं आपके पास सारी स्ट्रेटजी है कि यार ये पूछेगा तो मैं उसको ऐसा बोल दूंगी, ये पूछेगा तो उसको यहाँ पे ऐसा घुमा दूंगी, ये पूछेगा तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूंगी, ऐसा करके मैं पास हो जाऊंगी। कहीं ना कहीं ये चीजें जो अपग्रेड करनी जरूरी है। ओके ये बताइए कि मतलब मुझे एक क्वेश्चन पूछा था सर, बोल रहा है कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, मैंने बोला कि नो जस्ट आई एम राइट नाउ फाइंडिंग अ बॉयफ्रेंड, सो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है वहां पे। ओके बताओ, हां अच्छी इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा था, तो बताओ कि इस टाइम और क्या और से क्वेश्चन पूछे। आई मीन ये कब ऐसे बोल रहा है कि अच्छा आप कोलकाता में पीजी में रहते हो, तो मेरे पीजी के सामने एक जेल है, ठीक है, तो मैंने बोला कि सेंट्रल जेल के पास में ही रहती हूँ, तो बोल रहा है कि Are you living in jail? No, no, sir, I'm not living in jail. Just beside jail के पास में घर है, वहाँ पे मैं रहती हूँ। मतलब ऐसे वो लोग घुमा फिरा के आपका इंग्लिश चेक करके नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, बट बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा के आपका इंग्लिश चेक कर सकता है, ऐसे ही है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा रिया, मतलब ये बताओ कि यार TSL में क्या क्या और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा जो डिफरेंट थे बाकी एयरलाइंस से। सर थोड़ा जीके के बारे में बहुत ही ज्यादा पूछता है, जीके बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एंड आपका जो जो क्वेश्चन आप पढ़ाते हैं वो सीक्रेट क्वेश्चन नहीं बोलूंगे, मैं बोलूंगी कोर्स में ज्वाइन कर लो फिर मैं सर ही बता देगा आपका जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन पूछता ही है, जो जो आपका सीक्रेट क्वेश्चन है। जीके में स्टेट के बारे में पूछ रहा है, आपका राष्ट्रपति कौन है पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है कि कोई क्रिकेटर अगर आप बोल देंगे कि हाँ मुझे क्रिकेट का शौक है, तो क्रिकेट के बारे में पूछने लगेगा और भी, ठीक है। और इंट्रोड्यूस माई सेल्फ जो आपने सिखाया ना, उससे वो लोग क्वेश्चन अगेन पूछता है। मतलब अच्छा आपने बोल दिया कि मेरा इसमें हॉबी है, उसके हॉबी के अकॉर्डिंग तो वो पूछेगा ही पूछेगा, तो वो सब आपने सिखा दिया था, बस कोर्स ज्वाइन करने के बाद सीख जाएंगे सब। सर मैं पहले बोलूंगी एक तो ड्रेसअप बहुत ही अच्छे से एकदम फॉर्मल मेंटेन करके जाना, एंड हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके जाना। कोई कोई होता है कि शू ना अलग पहन लेते हैं, सॉक्स जो अलग पहनना नहीं चाहिए, जो है आप यूट्यूब में बहुत सारे सर का वीडियो है वो देख के या सर से आप मैसेज करके मिल करके भी पूछ के जाना चाहिए। एक दूसरी बात है आपको प्रिपरेशन लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। एंड जीके का नॉलेज, जो जीके लोग शायद इंडिगो वगैरह में इतना ज्यादा जीके वीके नहीं पूछता है, बट अगर आप इस AISL में जाओगे, एयर इंडिया में जाओगे, तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, बहुत ही ज्यादा पूछता है ये पे। और ऐसा नहीं है कि स्टेट के या कहीं के राष्ट्रपति कौन है या चीफ मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे नॉर्मल नहीं, थोड़ा हर टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। अच्छा तो है, बट थोड़ा तो हार्ड वर्क करना ही होगा पहले पहले। 12 घंटे के शिफ्ट है एंड वो लोग एलोकेशन दे देते हैं कहाँ कहाँ है, बट हम लोगों को ब्रेक भी मिलता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग सिंगापुर है और एक ही फ्लाइट है सिंगापुर का, तो थोड़ा हम लोगों को रेस्ट भी मिल जाता है। तो बाकी टाइम बस
और पढ़ाई वढ़ाई कर लेते, नहीं तो रेस्ट मिल जाता। तो बोलता है सुपरवाइजर कि थोड़ा आप रेस्ट ले लो, बट अच्छा है, सब हेल्पफुल है, सब सिखा देता है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब वहाँ के लोग बहुत ही चार्मिंग है। हम लोगों को बोलता है पहले ऑब्जर्व करो, सीखो, एक ही पार्ट को अच्छे से सीखो, देन दूसरे पार्ट को हाथ लगाओ, क्योंकि इंटरनेशनल बेस के लिए जब तुम जा रहे हो तो तुम्हें पूरा सीखना जरूरी है। ये सब सिखा देता है सर अच्छे से। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, है ना। वही है, देखो जो भी है, लेकिन आई फील वेरी गुड दैट यू गाइस गॉट सिलेक्टेड। एंड कहीं ना कहीं ये था, ये भी था कि यार यू हैव टेकन लॉन्ग लॉन्ग टाइम गेटिंग सिलेक्शन। कायदे से तो और जल्दी सिलेक्ट हो जाना चाहिए था, और जल्दी सिलेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो जो हो गया वो हो गया। लेट इट बी, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी कि हमने लेट चालू किया, हमने चालू किया 2020 में चालू किया हमने, ये है। नहीं, कोई बात नहीं है, अगर आप पहले चालू करते तो बहुत ही अच्छा होता शायद। ये वही है, मैंने नौकरी छोड़ने के बाद जो है, मैंने नौकरी छोड़ी थी, मैं सोचा कि पढ़ाते हैं करके, और मैंने तो फ्री में चालू किया था यार। ये लोगों क्या मुफ्त की चीजें कहाँ पसंद आती रही है, फ्री की चीजें लोगों हाँ को पसंद सर नहीं आती वो ना, है। इसलिए थैंक हमने फिर क्रिएट कर दिया उसे। वही है, तो वही रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, एंड मुझे बड़ा अच्छा यू लगा सर, कि यार थैंक यू। तुमने। ये तो आपको थैंक यू हमेशा बोलना चाहिए कि आप नहीं होते तो शायद इसमें सिलेक्शन मेरे नहीं होती, क्योंकि आपने जो टिप्स सिखाया वो कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। और ये देखना और नॉर्मल तुम्हारा, है शायद, बट हम लोग के दिमाग में वो नहीं आता है। हाँ, वो नौ छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन दिमाग में नहीं आती है, वही तो मेन चीज हो जाती है। और भाई ये चीज है ना कि यार ये आगे जाके लाइफ टाइम काम आएगा, पर्सनली बता रहा हूँ मैं। इवन यू टेक इंटरव्यूज ना, अगर फॉर एग्जाम्पल शॉप में कोई काम करने वाला था, इफ यू टेक इंटरव्यूज, तो फिर तुम इस चीजों को ध्यान दोगी कि ये होशियार बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हाँ ये करने एकदम की कोशिश एकदम कर रहा है। और ऊपर एकदम से इवन दो इन फ्यूचर इफ यू बिकम एचआर ऑफ एनी एयरलाइंस, तो भी वहां पे काम आएगा। हाँ और क्या बोल सकते हैं उसे, और भी यार हर जगह काम आएगा, तो चीजें स्किल्स जो आपने डेवलप की है वो हर जगह काम आएगी। बट इवन दो इफ यू जॉइन इंडिगो एयरलाइंस और सम अदर कुछ भी एयरलाइंस भी ज्वाइन ना, तो हर जगह चीजें काम आने ही वाली है कि यहाँ पे अब ये मुझे कोई नहीं रोक सकता है सर, मुझे पता है मैं सिलेक्शन अब होके रहेगा, आराम से मैं जाऊंगी और देके आऊंगी। इतना दिन से मैं इतना इंटरव्यू दे रही हूँ टर्मिनल मैनेजर के छोड़ के, मतलब टर्मिनल मैनेजर हो सबको, मतलब मेरे सुपरवाइजर हो, ड्यूटी मैनेजर, सब ले रहा है, मैं आराम से दे रही हूँ। वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो आ गया बस अंदर। नहीं यार वही तो चाहिए फिर, ये है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए और थोड़ा सा स्किल सेट चाहिए, आंसर देने का तरीका ही फिर होता है, फिर नो वन कैन बीट यू। तो भाई यार ये ऑल द बेस्ट है ना, और ये वीडियो अपलोड हो थैंक यू जाएगी सब सर, उस थैंक समय, यू। वेलकम वेलकम है ना, ऑल द बेस्ट।